दोस्तों, फ्लिपकार्ट अलानी पठानी जितनी ऑनलाइन कंपनियों की बम्पर सेल हो रही है और हम दुकानदार यहाँ खाली बैठे हैं और सबकी ऐसी हम पैसी करा रहे हैं। कंडीशन ये हो गई है कि बाज़ार में बोनी नहीं हो रही है और ये 800-800 करोड़ की पर डे की सेल कर रहे हैं। मेरा आग्रह है आप सबसे कि जितने कलाकार आज की डेट में इन ऑनलाइन कंपनीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, हम सब आज ये प्रण कर ले कि टिकट लेके इनकी पिक्चर नहीं देखनी, इनकी पिक्चर देखेंगे पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन जाके, ताकि इनको पता लगे कि ऑनलाइन से कितना नुकसान होता है। सबसे पहले तो ये रोते थे ऑनलाइन पिक्चरों के लिए कि आप ऑनलाइन मत जाओ, आप पायरेटेड मत करो, हम मेहनत कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिगाना कर रहे हैं, हमारी पिक्चर को आप प्रमोट करो, हॉल में जाके देखो, फैमिली के साथ जाके देखो। और अब हमारे काम धंधे को ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं इन कंपनियों को ऑनलाइन करा के। तो हमने पिक्चर जाना शुरू कर दिया पीवीआर में, पहले 50 रुपये की टिकट होती थी हॉल की, आज हम 300 रुपये की टिकट दे रहे हैं पीवीआर के अंदर, 200 रुपये का खा रहे हैं पॉपकॉर्न। और ये हमारे धंधे की कर रहे हैं ऐसी कम तैसी प्रमोट कर करके, फ्री में पास बांट, फ्री में ये कर, फ्री में वो कर। तो आज इस बात की हम सब मिल के कसम खा लें कि जितने भी एक्टर्स ऑनलाइन कंपनीज को प्रमोट कर रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप करो जी, खोल के करो, आप जितना मर्जी पैसा कमाओ, लेकिन हम आपकी मूवीज़ भी जाके ऑनलाइन ही देखेंगे। पिक्चर देखनी बंद नहीं करेंगे इनकी, लेकिन इनकी पिक्चर देखेंगे ऑनलाइन ही, ताकि इनको उसकी रेवेन्यू का 1/54 भी ना मिले। बर्बाद कर रहे हैं मार्केट्स को और उम्मीद रखते हैं जनता से कि जनता इनको सपोर्ट करे। तो जितना हो सके मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, मुझे फॉरवर्ड करें, और ताकि ये जो हमारा मैसेज है ये पूरे देश में फैले, इन सब भांडों के पास हमारा मैसेज जाए, और ताकि इनको समझ में आए कि दुखती रख में किसी के पैर नहीं रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।